हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गोंडी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आपके लिए गुड न्यूज साबित होएगा। तो आप सोचते होंगे ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन है, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो इन्फॉर्मेशन माय जियो एप्लीकेशन से लेके है। दोस्तों, क्या आप भी जियो का सिम यूज कर रहे हैं? लाइक दोस्तों, जब से जियो लॉन्च हुआ है तब से उसका एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है, और इससे क्या होता है, जो भी जियो सिम यूजर्स है वो माई जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही करते हैं, क्योंकि उससे उनको ये मालूम पड़ता है मेरा अभी कितना दिन बाकी है, मंथ का एंडिंग यानी जो भी प्लान लिए है उसको एंड होने में कितना दिन बाकी है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। आपका कितना MB बचा है, कितना MB आपका यूज हो चुका है, वो सब आपको मालूम पड़ता है। इसके लिए आप माई जियो एप्लीकेशन को यूज करते हैं। बट दोस्तों, इसमें सीक्रेट ये है कि बहुत लोग को शायद इसमें मालूम नहीं होगा, क्योंकि इतना लोग केयर भी नहीं करते हैं कि जब भी आप माई जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो परमिशन मांगता है, कुछ परमिशंस मांगता है, आप उसको परमिशंस दे देते हैं, लेकिन वो परमिशन किस किस चीज के लेता है ये आप कभी ने केयर किया? लाइक दोस्तों, उसमें फोटो, वीडियो, ऑडियो, लोकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज का परमिशन मांगता है, और आप माई जियो एप्लीकेशन सही से रन कर सके, इंस्टॉल हो सके, उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको परमिशंस दे देते हैं। बट ये सारे आपके जो गैलरी में फोटो, वीडियोज है, डॉक्यूमेंट है, ये सब चीज का एक्सेस लेते रहता है। बट आपको इतना इसे एक्सेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन वो सारा एक्सेस लेते रहता है और वो डाटा स्टोर करते रहता है। कि अगर आप जियो का क्लाउड यूज नहीं कर रहे हैं तो भी ये आपका डाटा को स्टोर करके रखता है, और वो कहाँ रखता है, इस एप्लीकेशन के अंदर यानी माई जियो एप्लीकेशन के अंदर ये कहाँ स्टोर करके रखता है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये करीब करीब 8 साल होने को आया है जियो को लॉन्च होके, जब से पब्लिक इस सिम को यूज कर रही है और जब से उसका डाटा एक्सेस हो रहा है, पर उसको पता तक भी नहीं है। दोस्तों, जब से आप कितने सारे स्मार्टफोन को चेंज कर चुके होंगे, लेकिन अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हैं तो ये तब से जितने स्मार्टफोन को आपने यूज कर लिया है तब से आपके गैलरी का फोटो, वीडियो ये एक्सेस लेके रखा हुआ है, तो आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद ये हो सकता है कि आपका बहुत जूना यानी बहुत पुराना फोटो भी आपके माई जियो एप्लीकेशन के अंदर स्टोर है, शायद आपके लिए बेनिफिट भी हो सकता है ये। तो चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और दिखाते हैं आपको कि उस माई जियो एप्लीकेशन के अंदर कहाँ पे आपका डाटा स्टोर रहेगा। तो शायद आपका बहुत भूला हुआ फोटो, बहुत दिन का डिलीट किया हुआ फोटो शायद आपको वापस आ जाए और आपकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाए। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, तो चलो शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले तो आप माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आप माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, और उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के उसको लॉगिन कर लेना। तो अभी मैं माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ, और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ मोर का ऑप्शन दिख रहा है, आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पर आके ये बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से जाके आप अपने फोटो वीडियो को दे सकते हैं। और एक दूसरा मेथड बताता हूँ आपको कि वो कहाँ से ओपन होगा। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पेज को आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे उसको स्क्रॉल करके पूरा आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपके सामने। तो आपको क्या करना है, व्यू मोर लिखा हुआ है, यहाँ व्यू मोर पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आप उसी पेज पे आ जाएंगे जैसा कि मैंने अभी आगे दिखाया। यहाँ व्यू फाइल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 466 फोटो यहाँ पर पूरा बैकअप लिया हुआ है, यानी इसने एक्सेस लिए स्टोर करके रख लिया है। और यहाँ पे 3 वीडियो भी दिख रहा है और 0 डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट सेव करके रखता नहीं गैलरी में। तो अब मैं दिखाता हूँ कि जो मैं बहुत साल पहले फोटो वीडियो गैलरी में रखा था अपने फ़ोन में, तो वो कैसे यहाँ पर इसने एक्सेस करके रखा है और मैं इसे कैसे रिकवरी करूँगा। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो पर क्लिक कर देता हूँ और अब आपके सामने कुछ एक नया पेज खुल के इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बहुत साल पहले 6 से 7 साल या 8 साल के आसपास हो गया मुझे फ़ोटो में कैप्चर करके रखा था गैलरी में, वहाँ से इसको एक्सेस करके अपने क्लाउड में स्टोर करके रखा था, जबकि मैं क्लाउड को यूज नहीं करता हूँ। फिर भी अगर मैं अपने फ़ोटो को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो गैलरी में रखना चाहता हूँ, तो कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, ये गैलरी में सेव हो जाएगा। और अगर गैलरी में सेव नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जियो क्लाउड उसको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से अगर किसी को शेयर भी करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से पेज आएगा आपके सामने, व्हाट्सएप पर मेल कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में डाल सकते हैं, आप यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं फ़ोटो को। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये फ़ोटो को डिलीट करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिलीट करके बताता हूँ फ़ोटो को,
तो यहाँ से अगर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे डिलीट मार देंगे तो ये आपके अकाउंट से ये पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। मैं इस फोटो को भूल चुका था या मेरे पास भी ऐसा फोटो होगा, ये बहुत साल पहले का, मुझे कुछ पता भी नहीं था। लेकिन मैंने एक दिन माई जियो एप्लीकेशन को यूज कर रहा था, अंदर जाके कुछ इंटरफेस वहाँ पर देख रहा था कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो मुझे ये चीज़ दिख गया जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको भी बेनिफिट होने वाला है। ये देखो बहुत साल पहले का मैंने फ़ोटो यहाँ पर सब रखा हुआ था, ये देखो इस तरह से अब मैं जैसे चाहूँ जहाँ चाहूँ इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने भूले हुए फ़ोटो को, जो आपने फ़ोटो को मिस कर दिया है, उसको रिकवरी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपका ये बहुत पुराना फ़ोटो वीडियो जो कि आपने मिस कर दिया है, उसको कैसे रिकवरी कर सकते हैं माई जियो एप्लीकेशन से।